Hi everyone, today we will discuss about laws of exponents for real numbers. Okay, laws means rules होता है, exponents क्या होता है वो मैं बताऊँगा, and real numbers क्या होता है वो already मैंने previous classes में discuss कर लिए थे. Okay, तो start करते हैं आज की class. My name is Sai Syam and welcome back to my channel Maths with Sai. तो हम कहाँ पे थे कि पहले exponents पढ़ेंगे. Exponents क्या होता है, अगर मैं लिखूँगा 3 to the power 7. हियर 3 इज़ द बेस, 7 इज़ द पावर. क्या बोला मैंने, 3 to the power 7. 3 क्या है, हमारा बेस है, एंड 7 क्या है, 7 हमारा एक्सपोनेंट है. ओके, या फिर हम उसको पावर भी कह सकते हैं. क्लियर. अगर मैं और एक एग्जांपल देखूं, 2 to the power 3. हियर 2 इज़ द बेस, 3 इज़ द एक्सपोनेंट. ये सब हमें ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है. तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे अगर इस टाइप का कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन आता है एंड हमें उसका मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उस टाइम कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहला वाला रूल हमारे पास है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. तो हियर दोनों का बेस क्या है, सेम है. a फर्स्ट टर्म में भी है, यहाँ पे भी a है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है. जब दोनों का बेस सेम होता है एंड दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दैट केस दोनों का पावर क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है. ओके, a टू द पावर m प्लस n. क्लियर. अगर हम एग्जांपल देखेंगे, 6 to the power 3 इंटू 6 to the power 4. 6 to the power 3 एंड 6 to the power 4 में दोनों का बेस 6 है. सो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द रूल पहले 6 लिख दिया, फिर दोनों की पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 6 to the power 3 plus 4 मतलब 6 to the power 7. ओके, इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट होता है a टू द पावर m होल टू द पावर n. तो अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n बोला गया है, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, मतलब इसके साथ ही क्या होगा, इंटू हो जाएगा. क्लियर. एग्जांपल क्या है, 7 to the power 2 होल टू द पावर 4. इसको मैं लिख सकता हूँ 7 to the power 2 into 4, दैट इज 7 to the power 8. क्लियर, बहुत सिंपल है. बस थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर एडवांस मेथड में डिस्कस करेंगे या फिर जो डिटेल क्वेश्चन होगा उसको करेंगे. नेक्स्ट है हमारे a टू द पावर m होल टू द पावर n होल टू द पावर p. ऐसा जितना भी पावर्स हम लिखते जाएंगे, ओके, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या होगा, सारा पावर्स का मल्टीप्लिकेशन. ओके, या फिर जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मैं देखूँ यहाँ पे 9 to the power 3 अगेन होल टू द पावर 2 अगेन होल टू द पावर 5. अगर यहाँ पे और भी एक पावर लिखूँगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होल टू द पावर 7, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 9 लिख दो, फिर क्या करोगे, जितने भी पावर्स है सबको एक साथ इंटू करना है, 3 into 2 into 5 into 7. ओके, दिस इक्वल्स टू, पहले 9 लिख दो बेस, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 7 जा 210. ओके, तो पावर इस तरह का जितना भी आएगा सारे पावर्स को क्या करोगे, एक साथ इनटू कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट डिवाइड करने के लिए बोला है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड करने के लिए बोला है. तो रूल कहता है a टू द पावर m माइनस n. यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर m ग्रेटर देन n, इस कंडीशन में हम ये रूल अप्लाई करेंगे. इसके बाद जो मैंने लिखा है इसके लिए कंडीशन क्या है, m लेस देन n है, मतलब ऊपर वाला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसी का जो पावर होगा हियर ग्रेटर होगा एंड यहाँ पे ये जो m होगा ये स्मॉलर होगा. ओके, एग्जांपल देखते हैं, 13 to the power 7 by 13 to the power 4. यहाँ पे 7 न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है देन द डिनोमिनेटर, तो इसको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, 13 to the power 7 minus 4, दैट इज 13 to the power 3 हो जाएगा हमारा सल्यूशन. नेक्स्ट
ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब एम लेस देन एन है। ओके बट इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ये ऊपर वाला मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे पहले इसको कर लेते हैं। 5 टू द पावर, अगर हम ऊपर वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4 माइनस 9 करेंगे। कर लेते हैं 4 माइनस 9, 5 टू द पावर 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय 5 टू द पावर 5। जब पावर नेगेटिव होगा तब हम उसको अगर डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होगा आगे मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला मेथड का तरीका, जब पावर छोटा है तब भी हमने अप्लाई कर लिया। अगर हम इसको सीधा करेंगे, सीधा कैसे करेंगे, सीधा हम देख लेते हैं, सीधा कैसे करेंगे, 1/5 टू द पावर एन माइनस एम, एन क्या है हमारा 9 है, यहाँ पे 9 माइनस 4, ओके 1/5 टू द पावर 5 है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे सिंपल एंड बेसिक रूल्स, जो हम सबको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास की ये पढ़ाई है, लेकिन हमने इसको फिर से डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल की क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2^2/3 इंटू 2^1/3। बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट क्वेश्चन में जो पावर से जो एक्सपोनेंट से ये सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, बस देख लेते हैं। 2^2/3 प्रोसेस सेम है, दोनों का बेस भी सेम है, जब दोनों का बेस सेम है पावर को ऐड किया जाता है। 2^2/3 + 1/3, अब दोनों को ऐड करेंगे, ले जाता हूँ ऊपर, 3 दोनों का डिनोमिनेटर है तो एलसीएम हो जाएगा 3 ऊपर 2+1, दैट इज 2^3/3, 2^1, और हम इसको सीधा 2 कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट 3^1/5 है, होल टू द पावर 4, ये भी सेम प्रोसेस है। 3^1/5 इंटू 4 3^4/5 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7^1/5 डिवाइडेड बाय 7^1/3। यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये वाला प्रोसेस फॉर्मेट अप्लाई करेंगे या फिर ये रूल अप्लाई करेंगे। रूल कोई भी अप्लाई कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर सबसे पहला पहला वाला रूल हमेशा अप्लाई करना, ठीक है। 7^1/5 -1/3, क्योंकि फ्रैक्शनल में और ज़्यादातर कन्फ्यूजन आ जाता है कौन इसका ये वाला पावर बड़ा है या वाला पावर बड़ा है, कौन सा बड़ा है। अगर कन्फ्यूजन में आता है तब भी हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल a^m-n 7^m-n 1/5 -1/3, ओके 7^5 एंड 3 का एलसीएम होता है 15। क्यों 15 होगा, क्योंकि 5 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, और जब दो प्राइम नंबर का एलसीएम बोला जाता है इन दैट केस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 एंड 3 का प्रोडक्ट होता है 15, ओके सॉरी 15/5 होता है 3 × 1 = 3 माइनस 15/3 होता है 5 × 1 = 5, 7^-2/15 हो जाएगा हमारा आंसर, ओके नेक्स्ट 13^1/5 × 17^1/5। इसके लिए भी एक रूल है, क्या रूल है, अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, जैसे कि a^m × b^m, यहाँ पे दोनों का एक्सपोनेंट क्या है सेम है, जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो क्या किया जाएगा, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एंड उसी में से एक्सपोनेंट को यहाँ लगाया दिया जाएगा। क्लियर? फिर से, जब दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना, एक ही एक्सपोनेंट को बाहर लगा दो। क्लियर? मतलब जो एक्सपोनेंट सेम है, वैसे ही 13 × 17 बोले तो 13 × 17 होल टू द पावर
वन बाई फाइव, दोनों को प्रोडक्ट कर लेना एंड दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसी को सीधा लिख के पावर लगा दो। क्लियर, 13 × 17 हो जाएगा हमारा 221 होल टू द पावर 1/5। तो हमने ये देखा कि एक्सपोनेंट्स नेचुरल नंबर हो, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, रूल्स सेम होता है सबके लिए। सेम प्रोसेस में हम इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और कुछ लर्न करेंगे, फिर उसी के ऊपर बेस्ट थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये रूट ओवर की फॉर्म में है, हम उसको बेस एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, रूट एन ऑफ ए का रूट एन अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा। मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर ए टू द पावर 1/n। वन कहाँ से आया, 1 ए का पावर होता है। ठीक, 1 क्या होता है, 1 ए का पावर होता है। क्लियर, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है ए टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय जितना भी रूट लगाया गया, एन रूट लगाया गया, बाय एन। क्लियर, नेक्स्ट एक्स के पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता है हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको स्क्वायर रूट मानते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ओके, हियर पावर कितना है, एक्स का 1 है, तो मैं एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट ए टू द पावर एम का रूट एन बोल रहा है, तो लिख लो ए, एम आ जाएगा ऊपर क्योंकि पावर ऊपर लिखा जाता है, जो रूट बोल रहा है उसी को डिवीजन साइन देकर लिख दो। क्लियर, नेक्स्ट 5 का क्यूब रूट बोल रहा है, 5 का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, 5 × 1/3। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पावर जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें बताया जाता है कि अगर किसी का भी पावर जीरो है तो हम क्या लिखते हैं उसको, 1 मान के चलते हैं, हाँ या नहीं। ये होता है कैसा है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 × 2/3। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है 9/9, 1। ये बिना रूल के हमने समझा, अगर हम रूल के साथ करेंगे, रूल हमारा था a^m / a^n अगर n है, a^m-n होगा। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है या नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा क्या होगा, 3 × 2 इसका दोनों का बेस 3 है, पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे 2-2, दिस इक्वल्स टू 3 × 2 कितना होता है, 0 होता है, एंड 3 × 0 इक्वल्स टू 1 हम मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका सल्यूशन ऐसे भी निकालेंगे तब भी 1 आएगा। क्लियर, तो ये एक रीजन होता है कि किसी का 0 अगर 1 लिया जाए तो क्यों उसका वैल्यू 1 आ जाता है। अगर 3 × 2 नहीं लगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि 5 × 4/5, सेम 5 × 4-4, 5 × 0 इक्वल्स टू हम लिख देते हैं 1। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऊपर ऐसे ही 5 × 4 अगर हम लिखेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, नीचे भी 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर हमें 1 ही मिलता है। इसलिए किसी का भी पावर अगर 0 हो दैट इज़ कंसिडर्ड आज 1। क्यों 1 होता है समझ में आया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है ए का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर, ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ए टू द पावर 0 के ऊपर डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव क्यों मानते हैं, या फिर 1/ अगर मैं लिखूँगा, हाँ इसको मिटा देते हैं, 1/a^n का वैल्यू कितना होगा, 1/a^n का वैल्यू कितना होगा, उसको हम रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे एंड जो आंसर आएगा वही होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। 1 को मैं लिख सकता हूँ 8^0 क्योंकि यहाँ पे a बेस है,
वन को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बी टू द पावर जीरो, सी टू द पावर जीरो, एन टू द पावर जीरो, फाइव टू द पावर जीरो, टेन टू द पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो होने से वैल्यू वन हो जाता है। बट यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ ए टू द पावर जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी बेस हमारा ए है, इसलिए न्यूमरेटर में जो वन है दैट विल बी ए टू द पावर जीरो। क्यों लेता हूँ? क्योंकि ये सॉल्व करने में आसान होगा, बाय ए टू द पावर एन। क्लियर? ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन, ए टू द पावर एन को फिर से मैंने लिख दिया ए टू द पावर एन। अब रूल के हिसाब से क्या होना है, एम मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, इससे ये माइनस होगा, ए टू द पावर जीरो माइनस एन। क्लियर? जब जीरो से कोई नंबर माइनस होता है तो जैसे कि जीरो माइनस फाइव हुआ, जीरो माइनस थ्री हुआ, जीरो माइनस थ्री कितना होता है, माइनस थ्री होता है, जीरो माइनस फाइव कितना होता है, माइनस फाइव होता है, वैसे ही जीरो माइनस एन हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एन। कहने का मतलब ये है, ये जो दो लाइन मैंने लिखा ये सब बताया नहीं जाता है और हमें सीधा बोल दिया जाता है वन बाई ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एन। बट रीजन बिहाइंड वन बाई ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एन इज ये जो दो स्टेप हमने सॉल्व किया एंड आंसर निकाला। क्लियर? तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड रूल्स जो हमने डिस्कस किया, और थोड़ा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करके फिनिश करेंगे क्लास आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, अगर 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2, क्योंकि 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, पावर जैसा था वैसा ही दे दिया। अब रूल के हिसाब से क्या होता है, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन हुआ, ए टू द पावर एम इंटू एन होता है हमारा रूल। क्लियर? तो ये दोनों कैंसिल कर लो, 8 टू द पावर 1 या फिर 8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है 32 टू द पावर 1/5। 32 किसका पावर हो सकता है, 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ देख लो थोड़ा सा, 32 होता है हमारा 2 में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। ओके, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5। तो 32 इक्वल्स हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, हाँ या नहीं, क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सो हियर 32 इज 2 टू द पावर 5। क्लियर? होल टू द पावर 1/5। ओके, ये हो जाएगा फिर से m इंटू n, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, दैट इज 2 टू द पावर 5, 5 कैंसल 1। ओके, नेक्स्ट 125 टू द पावर माइनस 1/3। पावर माइनस हो प्लस हो हमें कोई इशू नहीं है, प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। 125 होता है कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर माइनस 1/3। ओके, दिस इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 3 कैंसिल कर लो, 5 टू द पावर माइनस 1। नेगेटिव रखोगी तब भी चलेगा, पॉजिटिव बना दोगी तो ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 1। ओके, नेक्स्ट है 9 टू द पावर 3/2। अगेन 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ 9 लिख लो 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। सेम प्रोसेस a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 2 कैंसिल कर लो, 3 का क्यूब दैट इज 27। ओके, 3 3 जा 9, 3 जा 27। नेक्स्ट 16 टू द पावर 3/4 होता है हमारा, 16 टू द पावर 3/4, 16 हो जाएगा क्या, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर,
16 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 4। क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ से मिटा दूँगा, इतना ही लिखते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा, देख लो। ओके, 16 क्या हो सकता है, 16 हो सकता है 2 into 2 into 2। ओके, या फिर 16 को बोल सकते हो सर 16 4 into 4 भी होगा, 4 का स्क्वायर भी होगा, तो किसको लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे या फिर 2 to the power 4 लिखेंगे, 2 to the power 4 भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो कौन सा चूज करेंगे, 2 का पावर 4 या 4 का स्क्वायर, बेटर होगा, दोनों चूज करने से हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा ये होगा, हम यहाँ देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो हम पावर 4 जिसका है उसी को चूज करेंगे, मतलब 2 to the power 4 को चूज करेंगे, क्यों, जो भी चूज करने से होगा, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट 2 to the power 4 होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 16 होता है 2 to the power 4 होल टू द पावर 3/4। ओके, 2 to the power 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, 2 to the power 3 दैट इज 8, 2 to the 4 to the 8। अगर किसी ने कर दिया 4 का स्क्वायर तब भी सही होगा, कैसे देख लेते हैं, अगर मैं करूँगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो आंसर क्या होगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन कैसे होगा ये, अगर 16 में लिखूँगा 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर पावर 3 to the power 4 लिख दिया, ओके, दोनों का भी इंटू करेंगे 4 to the power 2 इंटू 3/4, क्लियर, अब ये क्या होगा, 2 3 जा ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ओके, 4 to the power 3/2, 4 to the power 3/2 क्या हो जाएगा, 4 का हम क्या करेंगे, 4 to the power 3/2, 3/2 मैंने लिख लिया, ओके, ये जो 3/2 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 to the power 3 into 1/2, मतलब इसका पावर होता है 3 एंड 1/2 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 4 का क्यूब का 1/2, जब पावर होता है अगर हम रूट में लिखेंगे ऐसा हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 एंड 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्लियर, समझ में आता है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए बेटर ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 है उसी का पावर करेंगे, मतलब 2 to the power 4 करने से सीधा सल्यूशन निकाल जाएगा, ट्राई करना कि पावर उतना ही रखना जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर है, क्लियर, अगर पावर गलती से ये रख दिया तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3/2 आएगा, फिर 3 into 1/2, फिर 1/2 को रूट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्लियर, नेक्स्ट 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, ये क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, अगेन पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 to the power 3 and 5 का एलसीएम होता है 15, 15/3 5 into 2 होता है 10 plus 15/5 होता है 3 into 1 3, ओके, दिस इक्वल्स टू 2 to the power 13/15 हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर, अब लास्ट वाला 1/3 to the power 3 होल टू द पावर 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 to the power 7/3 to the power 3 होल टू द पावर 7, मतलब न्यूमरेटर का भी पावर डिनोमिनेटर का भी पावर, 1 to the power 7 होने से 1 होगा, एंड यहाँ पे 8 to the power m into n, 3 to the power 3 into 7, ठीक है, 1/3 to the power 21 दैट इज 3 to the power-21 भी लिख सकते हैं, क्लियर, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन एंड उसी के ऊपर बेस्ट सॉल्यूशंस, ये 2 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्क दे के रखा है, इसका आंसर जो भी होगा उसको सॉल्व करके कमेंट में लिख देना, ठीक है, तो ये था हमारा रूल्स या फिर लॉज बेस्ट एंड एक्सपोनेंट्स, होप जो रूल्स होता है आप लोगों को समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।